राहुल और अली ने अभिनव को बताया मास्टरमाइंड, निकी बनी मास्टर नो माइंड। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में अभिनव शुक्ला को भले ही घर के बाकी सदस्य ने हल्के में लिया हो, लेकिन गेम में वो अब भी बने हुए हैं और अब उनकी साइलेंट स्ट्रेटेजी की तारीफ की जा रही है। दरअसल किचन एरिया में बैठे घर के सभी सदस्य इसी बात पर डिस्कस करते नजर आए, जहां राहुल वैद्य ने बताया कि बिग बॉस के इतिहास में अब तक खाना बनाने वाले ही चॉपिंग किया करते थे, लेकिन सीनियर से बात करके अभिनव ने चॉपिंग को एक अलग ड्यूटी बनाई। और जिस तरह से अभिनव 12 हफ्तों में 3 बार नॉमिनेट होने के बावजूद घर में बने हुए हैं और घर का कोई भी सदस्य उन्हें अपने लिए खतरा नहीं मानता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिनव ही असली मास्टरमाइंड है। राहुल वैद्य की इस बात का अली गोनी ने भी समर्थन किया, जहां निकी तंबोली इस बात से इत्तेफाक रखती नजर नहीं आई और निकी ने अपनी सफाई दी कि 3 बार तो मैं भी नॉमिनेट हुई हूं, जिस पर अभिनव ने निकी की चुटकी लेते हुए कहा कि तुम भी मास्टर हो लेकिन विदाउट माइंड, यानी मास्टर नो माइंड। वैसे आपको बता दें कि जब भी अभिनव नॉमिनेट हुए हैं, कहीं ना कहीं रुबीना के फैंस उनका सपोर्ट करते नजर आते हैं और इसलिए अभिनव बच जाया करते हैं, लेकिन इस बार अभिनव और रुबीना घर के बाकी सदस्यों के साथ नॉमिनेटेड हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इस बार रुबीना के फैंस अभिनव को सुरक्षित कर पाते हैं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।